हाँ, हम है ना समृद्धि टाउनशिप, शहर की खूबसूरत लोकेशन पर स्थित, बाईपास से 1 किलोमीटर और बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन से चंद मिनटों की दूरी पर। समृद्धि टाउनशिप पूर्णतः वेद विकसित सुरक्षित और सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी। समृद्धि टाउनशिप, कलेक्टर बंगला, मेन रोड, खंडवा। पूरा मामला ये है कि वो रोज रोज एक दो साइडों को उन्हें पकड़ के रखा है। शहर में 100 काम चल रहे हैं पर वो टारगेट कर रहे हैं, तो वो आना कुछ होना कुछ नहीं है, बस आना परेशान। गिट्टी खराब है, रेत खराब है, मेटल खराब है, ये खराब है, एक बदनामी वाली चीज़ है, सीधी सी बात है, जिसके लिए मैं थाने में आया हूँ। बार 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 रोज आके परेशान करना, ये करना। हाँ, आवेदन दे दिया। पिछले साल सेंक्शन हुआ था, पिछले साल सेंक्शन हुआ था ये। तारीख तो अभी एग्जैक्ट तो नहीं मिल पाएगी, अभी मतलब देखना पड़ेगा। 2021 का सेंक्शन है, उसकी टाइम लिमिट क्या थी? टाइम लिमिट 1 साल, एक्सटेंड करते टाइम में एक्सटेंड करते हैं। वो तो हर साल बारिश में काम बंद हो जाते हैं, चुनाव थे बीच में उसमें काम बंद हो जाते हैं। 600 अलग अलग लेंथ है उसमें, एस्टिमेट दिए थे हमको, एस्टिमेट काफी उनके पास अलग नहीं है। 610 मीटर का है, इसका टाइम क्यों लग रहा है, क्या कारण? अतिक्रमण, आप मौके पर जाइए ना, अतिक्रमण दिखेगा आपको, उनको हटाना, उनको शिफ्ट करना, फिर वहाँ पे काम करना, पाइपलाइन केबल सब वहाँ पे खुदती है, टूटती है, फिर जोड़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और कहीं खुले में आवेदन में ये मानहानि, परेशान करना, मटेरियल की गुणवत्ता को लेकर सवाल करना, कुछ भी ओछी चीजें करना। कांग्रेस के पार्षद और जनप्रतिनिधि ये तो सवाल विपक्ष है, जनप्रतिनिधि मतलब थाने आए कि आप नगर निगम से शासकीय कार्य में बाधा, शासकीय कार्य में बाधा के लिए आए हो, शासकीय कार्य में बाधा, अपमानित। हाँ, क्यों नहीं है, समय समय पे पूरे टाइम थोड़ी ना वहाँ बैठे रहेंगे शासकीय कार्य में। शिकायत तो शासकीय आदमी करेगा, जब शासकीय आदमी शासकीय कार्य कैसे सिद्ध करेंगे, मतलब शासकीय कार्य तो है, वो प्राइवेट काम थोड़ी ना मेरा, वो अधिकारी कर्मचारी करेगा ना, शिकायत करे ना कि शासकीय कार्य में बाधा हुआ। नहीं, शासकीय अधिकारी शिकायत कैसे करेंगे, मैं परेशान तो मैं हो रहा हूँ ना वहाँ पे, निगम ने काम मेरे को दिया है, निगम खुद नहीं काम कर रही, निगम ने काम मेरे को दिया है। काम भी बंद नहीं करवाना आप वहाँ मौजूद, मैंने शासकीय कार्य में बाधा, रोज आके व्यवधान उत्पन्न करना, अपमानित करना, गुणवत्ता पे सवाल उठाना, जो कि मेटल अच्छा है, इनकी आंखों में कोई सेंसर नहीं लगे कि आके मुंह से बोल दे कि सीमेंट खराब है, और ये चीज पब्लिसिटी करना, वीडियो पे आके उनके द्वारा बोलना कि कलेक्टर साहब कमीशन मत लो, महापौर जी कमीशन मत लो, ये सब ये चीजें प्रूफ करके दिखाए वो। अगर वो ये सब वीडियो में बोल रहे हैं खुला कि आप सब कमीशन लेना बंद करो, तो वो चीज पहले प्रूफ करें ना कि कमीशन कौन ले रहा है, ये कैसे बोल रहे हैं, किस भी बोल रहे कमीशन ले रहे हो आप, इन चीजों के लिए आया हूँ। अच्छा, नहीं एक चीज हुई है, क्या आपने जो शासकीय कार्य में बाधा का मामला आवेदन दिया है, शासकीय अधिकारी आपको कौन कौन है, उनकी पेंशन वगैरह है आपके पास? जो क्यों नहीं है, टाइम के पास सब इंजीनियर, ई कमिश्नर, सब सारे लोग हैं इसमें कंसर्न में। आपका आवेदन पत्र है क्या उसमें? वो थाने में दे दिया। नहीं, आवेदन दिया होगा तो वो भी पार्टी बने होंगे ना, पार्टी क्यों बनेंगे, वो फरियादी बने होंगे। नहीं, फरियादी क्यों बनेंगे, वो क्यों बनेंगे फरियादी, वो उनके ऑफिस जाके उनको वेतन थोड़ी उत्पन्न कर रहे हैं, वो मेरी साइड पे आके वेतन उत्पन्न कर रहे हैं, वो उनके ऑफिस जाके वेतन, तो वो पार्टी बनेंगे। हाँ, पदाधिकारी शासकीय पद पर वो अभी प्रतिलिपि में उनको भी जाएगी, कमिश्नर और कलेक्टर को भी जाएगी, तो वो भी बनेंगे फिर, प्रतिलिपि जाएगी, प्रतिलिपि जाएगी। क्या आपको लग नहीं रहा है घटिया काम हो रहा है कि अच्छा काम हो रहा है? प्रूफ करके दिखाइए आप, घटिया मीडिया कैसे प्रूफ करके, मीडिया कैसे प्रूफ करेगी, जांच एजेंसी है उसके लिए, टेस्टिंग लेबोरेटरी है, आप उसमें चेक करो, खराब निकले तो फिर मेरे को सिद्ध करो, मेरे को जेल में डाल दो अगर मैं गलत काम कर रहा हूँ तो, पर अगर नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे आप? इस चीज की बात कोई नहीं करेगा, इस चीज की बात आप भी नहीं करोगे, मेरे को पता है, आपको सिर्फ किसी भी करके मेरे को गलत साबित करना है, ये बात मैं भी जानता हूँ, पर ये चीज नहीं है, अगर गलत साबित करते तो मैं उसके लिए तैयार हूँ सजा के लिए। नहीं, आपका क्वेश्चन ये नहीं था कि गलत घटिया, पर आपने ये नहीं बोला कि अच्छा निकला, तो ये बात आपने नहीं बोली अभी तक। तो क्या आपने वहाँ से सैंपल उठा के इनके सामने जो है ये सब चीजें, ये सब चीजें, इसी चीज के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये कार्रवाई जो है ना टेस्टिंग की, ये होती है ना कि साइड पे आके चिल्ला चोट करना, रोज आके व्यवधान उत्पन्न करना। आप मेरी बात, मैं भी जो आप बोल रहे हो ना, मैं यही बोल रहा हूँ कि आपका काम है, आप सैंपल कलेक्ट कराइए, पॉलिटेक्निक कॉलेज भिजवाइए, जांच एजेंसी को भिजवाइए, वो चेक करके रिपोर्ट देंगे, ऑन पेपर देंगे, साइड पे आगे रोज चिल्ला चोट करना, ऐसा करना, वो प्रोसेस हमारी रेगुलर होती है, क्यों नहीं होती है प्रोसेस हमारी? बिना उसके प्रोसेस बिल पुटअप पास ही नहीं होता, बिल मेरा का इस देश में किसी का बिल पास नहीं होता बिना टेस्टिंग के। अरे रेगुलर होता है, आप कागज, आप रेगुलर टेस्टिंग होती है, 15 दिन की टेस्टिंग होती है, 18 दिन की क्यूब कास्टिंग होती है, उसकी टेस्टिंग होती है, उसकी रिपोर्ट है हमारे पास, आप हमसे आवेदन लेके मंगिए, हम आपको देंगे, जो ऑन पेपर है, इसे हवाला करने से तो कुछ भी नहीं होने वाला, ये सिर्फ सीधी सीधी साजिश से बदनामी करने की। मैं दीपेश राठौर, नगर निगम कॉन्ट्रेक्टर। जी हाँ, हर बजट में संपूर्ण मांगलिक व्यवस्था, और वो भी एक ही छत के नीचे, शुभ परिसर, पैराडाइज होटल, लक्की गार्डन, नार्मदीय धर्मशाला,
गुरु नानक परिसर, बापू गार्डन, गंगराड़े धर्मशाला, अमृत गार्डन छोटी छेगांव। जी हाँ, आप शादी तय करें और बस एक फोन हमें करें। आरएनके कैटरिंग एंड इवेंट्स, रितेश कपूर और श्याम कपूर साथ ही पाए एक विशेष ऑफर। जन्मदिन, सगाई, बीसी और छोटी पार्टियों के लिए शुभ परिसर और लकी गार्डन में हॉल एकदम फ्री।